सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज जो है मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, और हमारी खुशी का रीज़न जो है उसको जानने से पहले, अगर आप मेरे वीडियो पे न्यू हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, वो खुशी का रीज़न ये है कि मैं आपको दिखा। सो फ्रेंड्स, ये है वो हमारी खुशी का जो रीज़न है। बट आप कहोगे तो ये टैंक है तो इसमें इतने खुश होने की क्या बात है, बट ये जो है हमारा टैंक है, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना टैंक है। इसी से ही मैंने जो है फिश पालना स्टार्ट किया हुआ था, और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ये जो है टैंक ये पुराना है, और अभी तक आप देख सकते हो इसका फिल्टर कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हल्का सा टूटा हुआ है, ये मेरे से ही टूट गया था जब मैं इसको नया नया लाया हुआ था। तो मैं जब वाटर क्लीन करना होता था फ्रेंड्स, तो मैं इसको पूरा वाटर इसका निकाल के इसको अच्छे से वॉश करके रखता था, तभी मेरे हाथ से ये छूट कर टूट गया है। और अभी तक आप देख सकते हो कितने अच्छी क्वालिटी में ये है, और ऐसे बिल्कुल भी लग रहा है कि इतना ज़्यादा पुराना जो ये टैंक है। तो अभी तक इसमें मैंने कोई भी फ़िश नहीं रखा हुआ है। इसका रीज़न ये है कि मैं आपसे पूछने वाला हूँ फ्रेंड्स कि इसमें कौन सा फ़िश रखा जाए। वैसे मेरे आइडिए से तो आप देख सकते हो इसका फिल्टर कितना छोटा सा दिख रहा है, आपको देख सकते हो कितना ज़्यादा छोटा टैंक है ये। बट उस टाइम पर जब मैं इसको लेकर आया तो 5000 कॉस्ट का ये टैंक था उस टाइम पर भी, 7 साल पहले का भी। तो मैं इसमें स्टार्टिंग में सिर्फ गोल्ड फिश रखता था, मुझे और कोई भी फिश जो है अच्छी नहीं लगती थी, मैं सिर्फ इसमें गोल्ड फिश ही रखता था। आपने देखी होगी मेरी शॉर्ट वीडियो में, तो वो रेड कैप जो है वो इसी में ही थी, वो 4 साल से इस टैंक में रही। बट जब उसकी डेथ होगी तो मैंने ये टैंक अपने फ्रेंड को दे दिया था, क्योंकि वो भी फिश लाना चाहता था, तो मैंने ये टैंक उसको दे दिया था। बट अब उसने जो है वो उसकी हॉबी जो है फिश की वो ख़त्म हो चुकी है, उसने वापस मुझे ये दे दिया है। अब मेरे पास यहाँ पे 3 टैंक जो हैं फ्रेंड्स हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे जो मोली फिश के जो फ्राइज़ हैं उनको यहाँ पे रख दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो अलग रूम में रखे हुए हैं मैंने, और वहाँ पे जो जिस रूम में रखे हुए हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है फ्रेंड्स, तो आपको अच्छे से वो दिखाई भी नहीं देते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर उनको रखा जाए और यहाँ पर उनकी ग्रोथ वगैरह दिखाई जाए, क्योंकि वहाँ पर फिल्ट्रेशन सिस्टम भी कोई है नहीं, तो जिसकी वजह से वहाँ का वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। बट यहाँ पर फ़िल्टर भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही क्लीन रखूँगा ताकि हमारे जो मोली फ्राइज हैं वो हमें अच्छे से दिखें। तो मैं अभी तो इसको 2 दिन हुए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आए हुए, तो अभी मैं इसको सिर्फ साइकिल कर रहा हूँ ताकि अच्छे से इसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होता है फिश के लिए काफ़ी अच्छा होता है वो इसमें ग्रो हो सकें। तो इसको मैंने 2 दिन से यहाँ पर लगातार चलाए हुए, बट आज इसमें मैं हीटर भी लगा दूँगा ताकि वाटर जो है धीरे धीरे गर्म होना भी शुरू हो जाए, और कल जो है हम इसमें जो है मोली फिश के जो फ्राइज़ हैं वो ऐड करेंगे। बट आप बता सकते हो फ्रेंड्स कि आपकी पसंद की कोई फ़िश अगर यहाँ पे हम डाल सकें तो हम कैंसिल कर देंगे, हम मोली फिश के फ्राइज़ को वहीं रहने देंगे, और इसमें जो आप बताओगे फ्रेंड्स वो वाली फ़िश भी हम डाल सकते हैं। बट मेरा जहाँ तक की थॉट है वहाँ तक हम मोली फिश के फ्राइज़ ही यहाँ पर रखें, क्योंकि वो भी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, और वो टब में जिसमें मैंने रखा हुआ इसमें स्पेस भी काफ़ी कम हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ उनको यहाँ पर रखते हैं। वैसे उनको यहीं पे ही रखना चाहिए वैसे, बट अगर आपको कोई और फिश जो है वो पसंद आती है फ्रेंड्स तो आप बता सकते हो मुझे, मैं इसमें डाल सकता हूँ उसको। तो फिर उसके डालने के बाद हम यहाँ पे थोड़े से हाइडिंग प्लेस और इसको थोड़ा सा अच्छा इसमें स्टोन्स वगैरह यहाँ पे रख देंगे। सैंड यहाँ पे नहीं रख सकते फ्रेंड्स, क्योंकि आप इसका देख सकते हो फिल्टर काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तो सैंड यहाँ से पूरी अंदर चली जाएगी, तो सैंड रखने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, तो स्टोन्स ही इसमें रख सकते हैं हम। सो फ्रेंड्स, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है क्या हम यहाँ पे मोली फिश के जो फ्राइज़ हैं उनको यहाँ पे रखें, या फिर हम न्यू फिश लेकर आएँ उनको यहाँ पे रखें। सो कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और अब दिखाता हूँ मैं आपको हमारी ऑस्कर फिश की ग्रोथ कैसी हो रही है। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे ऑस्कर फिश, आप देख सकते हो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हुए, बस इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है, और ये खाता पीता काफ़ी अच्छे से है, बट ये इतने अच्छे से नहीं खाता है। हाँ, एक्टिव इतना ही ज़्यादा है, बट ये खाने में थोड़ी सी इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी कम है। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैं हाथ रखूँगा तो दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, देख सकते हो आप फ्रेंड जंप कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे, और आप देख सकते हो इनकी ग्रोथ भी अब जल्दी जल्दी धीरे धीरे यहाँ पर शुरू हो जाए तो काफ़ी अच्छे लगेंगे फ्रेंड्स से। बस अभी इनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, क्या हमें इनके साथ भी कोई फिश डालना चाहिए फ्रेंड्स, या फिर इन दोनों को ही यहाँ पर रखना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएगा। मैं सोच रहा हूँ इनके साथ एक या दो फिश कोई और ऐड कर दें, क्योंकि ये दो ही हैं यहाँ पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा अकेले फील करते होंगे, तो इनके लिए कोई फ्रेंड्स लेकर आएँ जो इनके साथ रह सकते हैं।
मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सी फ़िश जो है इनके साथ रखूँ मैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। तो ऐसी ही फ़िश बताइएगा फ्रेंड्स वो जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो और इनसे वो फ़ाइट कर सके, खुद को बचा सके और इनके फ्रेंड बन सके। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको हमारा बड़ा वाला टैंक जो है वो। सो फ्रेंड्स ये रहे हमारे जो फिश हैं, आप देख सकते हो ये जो पैरेट आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जो मेरी रेड वाली पैरेट है ये है फीमेल, क्योंकि मेल जो होता है उसमें इसके जो फिन्स होते हैं एंड वाले में काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं और उनका थोड़ा सा जो हेड है वो उठा हुआ होता है, आप देख सकते हो इसका ज़्यादा नहीं है। तो वैसे तो मुझे इतना ही पता है, अगर आपको पता है कि क्या अभी मेल है या फीमेल है तो मुझे ज़रूर बताएं। वैसे मुझे फीमेल ही लग रही है, और दूसरा वाला जो है वो अभी उसका पता नहीं लग रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा है। और ये देख सकते हो आप हमारे शार्क्स कितने ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। बस हमारे जो ये वाइट वाले शार्क हैं ये इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये जितना मैं लाया था उतना सही अभी तक। और ये हमारे ब्लैक शार्क काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, और ये हमारी छोटी सी रेनबो शार्क, इसकी भी ग्रोथ कोई इतनी सी या कोई उसमें फ़र्क आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। और ये रही हमारी, आप देख सकते हो जॉइंट गुरामी कितनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है धीरे धीरे। और ये हमारी ब्लैक फिश, सकर फिश भी बोल सकते हो आप इसका फ्रेंड्स, तो ये भी देख सकते हो। ये एल्बिनो में लेकर आया हूँ मैं, क्योंकि एल्बिनो में अच्छी लगती है और ब्लैक कलर में इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं लगती है। थोड़ी सी आप देख सकते हो यहाँ पे ये, इसकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है क्योंकि मैं जब लाया था तो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, अब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। क्योंकि ये जो है ये फ़िश की जो फूड मैं इनको डालता हूँ फ्रेंड्स, ये उसको भी खा लेती है। ये एल्गी पर ही टोटली डिपेंड नहीं है, तो इसकी ग्रोथ तभी इतनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स इनकी ग्रोथ के बारे में भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊँगा कि इनकी ग्रोथ कितने कैसी हुई और कितने जल्दी ये इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, तो उसकी वीडियो भी आपको जल्दी बना के बताऊँगा। सो चलिए फ्रेंड्स, में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स।